भंडारा जिले के धनेगांव नहर में 31 वर्षीय अमित नाम के युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अमित मध्य प्रदेश के फूलचूर गांव के रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि सीहोर में काफी दिनों से कपड़े की दुकान चला रहा था। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मौके से शराब की थैली, मोबाइल बरामद किया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जो सीहोरा धनेगांव जो नहर पे लाश मिली 30 वर्षीय युवा अमित मेश्राम की, तो एक्चुअली वो हत्या थी या आत्महत्या थी? अभी इस बारे में कहना मुश्किल है कि हत्या है कि आत्महत्या है। अभी फिलहाल उसमें ईडी रजिस्टर्ड हुआ है अकस्मात मृत्यु, और उसकी चौकसी इंक्वायरी चालू है। इंक्वायरी में जो भी निष्पन्न होगा उसके बाद पता लगाएंगे हत्या है कि आत्महत्या है। मौका है वारदात पे आपको जो परिस्थितियों में हर चीज़ें मिली, उनकी लाश मिली, तो आपको क्या लगता है हत्या हो सकती है आत्महत्या हो सकती है? मौका वारदात पे जो चीज़ें मिली है वो हमने फॉरेंसिक के लिए भेजा हुआ है, और उसका पीएम भी हुआ है, पीएम रिपोर्ट का वेटिंग है अभी। उसके बाद में सब चीज़ जानने के बाद में ये कहना लगेगा कि हत्या है कि आत्महत्या है। इस जो मामला है जो कल वाला, उसकी जांच कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूँ उसकी जांच। अच्छा, तो इसके बारे में अगर उसमें आपके इसमें नो जो ये है FIR दर्ज हुई है, वो किस चीज़ पर FIR दर्ज हुई है? नहीं, अभी इसमें FIR नहीं हुई है, अभी इसमें ED दर्ज हुआ है अकस्मात मृत्यु, यानी कोई अगर व्यक्ति मरता है तो प्राथमिक उसमें ED दर्ज करते हैं। इसकी इंक्वायरी में अगर उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं कि हाँ इसमें हत्या हुई और एविडेंस मिलते हैं, तो उसमें खुद फिर मैं खुद दाखिल करूँगा उसके खिलाफ में, और फिर FIR रजिस्टर होगी। मेरे भाई की जिस मतलब स्थिति में लाश मिली है नहर में, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक हत्या है, वो किसी ने मतलब साजिश रचा हुआ था, साजिश के द्वारा मतलब हत्या हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, और ये प्रेम प्रसंग के चलने मतलब प्रेम प्रसंग के कारण ही उसकी हत्या हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले, और अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो मैं ऊपर का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, SP से मैं बात करूँगा, SP से भी मतलब बातें करूँगा, और मैं उनसे अपील करूँगा कि भैया मेरे को मतलब सर मेरे को न्याय मिले, मेरे भाई के कातिलों का पता जल्द से जल्द चले।